मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड 3 के लिए मैथ्स का बड़ा ही सुंदर तरीके से नंबर सिस्टम में हम लोग अभी हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारी बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। 2 में भी आप ललन सर से पढ़े होंगे, 3 में भी आप पढ़ेंगे ललन सर से, परंतु अभी इस मानव के विनाशकारी प्रचंड महामारी में हम लोग ऑनलाइन सेवा में कुछ न कुछ अपने आप को पढ़ने का कार्य करते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, हम पढ़ने में अग्रसर मेधावी रहें। लगातार परिश्रम के बावजूद हम लोग कठिन मेहनत करके आपके लिए कुछ वीडियोस बनाते हैं, ताकि आप घर पर रहकर सुरक्षित पढ़ाई कर सकें। सबसे पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको आ रहा है नंबर एंड न्यूमरेशन। नंबर एंड न्यूमरेशन की बात हो रही है, तो ये देखिए नंबर यानी संख्या, और उस संख्या को हम न्यूमरेशन में, अंक में, और उसको शब्दों में, डिजिट में, वर्ड में कैसे लिखेंगे, इस चीज़ की चर्चा इस एक्सरसाइज में होगी। रिविजन के तौर वंस टेंस एंड हंड्रेड, यू नो ऑल स्टूडेंट, डू यू नो वंस टेंस एंड हंड्रेड। फॉर वन एग्जाम्पल, जस्ट लाइक 423, ये 3 आपके क्या हो जाएंगे, वंस हो जाएंगे। ये आपका वंस हो गया, ये 2 क्या हो जाएगा, तो टेंस हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इस तरह से हमारा बढ़ता, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, ये हमारा सिस्टम चलता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वन डिजिट नंबर। डियर स्टूडेंट, एक अंकों की संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो एक अंक में हमारा वन डिजिट नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपको वन डिजिट के नंबर होते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल आप देख लीजिए कि ये वन डिजिट के नंबर आपके स्क्रीन पर आपके बुक में दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, 2 डिजिट की बात करते हैं, और 2 डिजिट के नंबर ये आप देखिए, जिसमें 2 अंक मिलकर यहाँ पर है 24, 56, 70, 73 एंड 99। और ये 3 डिजिट नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 3 डिजिट के नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट, 1 डिजिट में 1 अंक होते हैं, 2 डिजिट में देखिए 2 अंक हैं, 24 हैं, 3 डिजिट में आपके 3 डिजिट होते हैं, 1, 2, 3, वंस टेंस एंड हंड्रेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको वंस टेंस और हंड्रेड दिया हुआ है। वन डिजिट नंबर में सिर्फ वंस होते हैं, 2 डिजिट नंबर में वंस और टेंस भी होते हैं, और 3 डिजिट नंबर में वंस, टेंस और हंड्रेड होते हैं, ये तीनों होते हैं।
तो ये आपको समझना है। और आगे जब हम बढ़ते हैं, ये क्यूब है। अब क्यूब में आप देखिए कि यहाँ 9 क्यूब्स हैं। तो ये 9 वंस हो गया और 1 अकेला है, ये भी 1 है। बट 9 प्लस 1, 9 में जैसे ही एड 1 होता है वो आपको 10 हो जाते हैं। और 10 जैसे ही होता है, देखिए यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, 10 ये 0 क्या हो जाएगा, वंस, और 1 क्या हो जाएगा, टेंस। ये 1 और टेंस, इसीलिए 10 वंस या 110 आप कह सकते हैं, या फिर देखिए 110 भी लिखा हुआ है इसको, या आप 10 वंस कह सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल है आगे, ये 9 ब्लॉक्स हैं, 10 10 का बना हुआ है, तो 90 हो गया। अब प्लस 9 तो 99 हो जाएगा, लेकिन उसमें 1 जब ऐड कर दिया तो ये 100 हो गया। 100 दैट मीन्स 3 डिजिट नंबर, 100। देखिए वंस, टेंस और ये 100, तो ये वंस, टेंस और 100 हमारे पास 3 डिजिट नंबर में हो गए। उसी तरह से ये आपको 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, 900, 910 और 9 वंस और 1 वंस, टोटल मिला के आपको 1000 हो जाता है, जो कि 999, ये आपको 3 डिजिट हो जाते हैं। इसमें जैसे ही 1 ऐड करते हैं हमारा यह 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। और ये 4 डिजिट में क्या हो जाता है, इसको काउंट करने सीखें आप, तो अभी बात कर रहे थे कि 999 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है 1000। अब 1000 में यहाँ देखिए, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया और ये TH मतलब 1000 हो गया। तो वंस, टेंस, 100, 1000, ये हमारे पास हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम एक बार थोड़ा सा एक चीज को देखें कि यदि हम, यानी सबसे स्मॉल की बात करें और लार्ज नंबर की बात करें, यहाँ पे हो गया आपके पास स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें, तो 1 डिजिट का, एक अंक का यदि स्मॉलेस्ट की बात करें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1, अब देखिए क्योंकि क्या आता है 1, और जब लार्ज बड़ी संख्या की बात करें तो वह हो जाएगा 9। हम 2 डिजिट की बात करें तो ये हो जाएगा आपको 10 और ये क्या हो जाएगा, 99। उसी तरह जब हम बात करें आगे तो 3 डिजिट में क्या हो जाएगा, वन हंड्रेड छोटी संख्या हो जाएगी और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 9 9। उस तरह आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें हो जाएगा ये लार्जेस्ट नंबर, इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे फिर आपको 5 डिजिट का, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में, तो
यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। ये देखिए कहता है कि देयर आर 9 1 डिजिट नंबर होते हैं, 0 से लेके 9 तक, और 90 नंबर होते हैं 2 डिजिट का, 10 से लेकर 99 तक, और 900 नंबर होते हैं 100 से लेकर के 99 में। संख्या जब गिनती करेंगे उंगली पे आप गिनिएगा, तो गिनना तो आसान नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर वो दिया हुआ है, कम से कम इसको रिमेम्बर रखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, गो ऑन फॉरवर्ड। पहला नंबर कहता है गो ऑन फॉरवर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या फॉरवर्ड करना है? देखिए 839 यहाँ पर पहला नंबर 839, तो ये फॉरवर्ड यानी आगे की काउंटिंग करना है, तो यहाँ हो जाएगा 840 841 842 843, ऐसे करके आगे आपको बढ़ना है। उसी तरह यहाँ देखिए 210 है बी नंबर में, तो 210 है, 211 हो जाएगा, 212 213 214 215, इस तरह से ये आपको पूरा बनाना है। क्लियर है? चलिए दूसरा आपको क्वेश्चन में लेके चलते हैं। कहता है काउंट बैकवर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि काउंट बैकवर्ड काउंटिंग जाना है, तो 765 है, तो यहाँ पर आपको 760 बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड नहीं पीछे जाना है, तो पीछे चलते हम लोग 764 763 762, ऐसे पीछे जाना है। तो आप जैसे 400 है तो यह नीचे आ जाएगा 399 398 397, तो जितने बॉक्स हैं उतना हमको पीछे जाना है और बनाना है। डू यू अंडरस्टैंड? क्लास में तो बोलते थे यस सर। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, हम प्लेस वैल्यू इन सर्किल डिजिट्स का हम लोग निकालेंगे। तो प्लेस वैल्यू हम लोग बहुत निकाले हुए हैं, प्लेस वैल्यू स्टैंडर्ड 2 में भी, स्टैंडर्ड जो है 1 में भी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। जो जो आपको कलर किया हुआ है उसी का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए 3 का, तो प्लेस वैल्यू का सिस्टम क्या है कि 3 जैसे है, यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए 3 में, तो वंस में लगा हुआ है, तो 3 वंस है, इसका मतलब ये अकेला 3 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से देखिए वंस टेंस, ये सी नंबर का यदि हम बात करें तो 0 हो जाएगा आपका वंस, जैसे 710 सी नंबर में है कि 710 700 700, यहाँ पे लिखते हैं जरा सा 710। अब यहाँ 7 में आपको घेरा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 7 का हमको निकालना है, तो वंस टेंस और 100 पर जब हमारा ये है इसका मतलब 7 दे देंगे, आगे में जितना 0 है उसको डाल देंगे, तो 700 आई बेचारा अकेला 3 हो गया। यहाँ 9 दे देंगे, 10 दे देंगे, 1 अंक आ गया है, 5 दे देंगे यहाँ पर, देखिए इसको हटाते हैं जरा सा, इधर लाते हैं आपके पास, और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5, और ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 0 वंस है। तो ये आपको प्लेस वैल्यू आपको निकाल लेना है। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे, कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या कहता है एक्सपेंडेड फॉर्म में? तो यहाँ पे
एक्सपेंड करेंगे। यहाँ क्या कहता है 374। तो यहाँ पर सबसे पहले 300 सबको अलग अलग लिखना है, प्लस 70 प्लस 4, ये हो गया। इसी तरह से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है। ओके, अब 5 नंबर में इसी चीज़ को देखिए शॉर्ट फॉर्म में, तो सबको ऐड करना है। तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा 248 ए नंबर का। अब बी नंबर देखिए 701, क्योंकि ये वंस पर है तो वंस पे रख दिया। उसके बाद टेंस में 0 है, इधर टेंस में हाई ही नहीं, ये हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से बनाना है। अब आपको 6 नंबर की बात आपको बता रहे हैं, मैच द नंबर टू इट्स नेम 305। इसमें से ढूंढना है 305 कौन है, ये है 612, तो इसमें देखना है 612 कहाँ है। 804 देखना है कहाँ है। 503 कहाँ है, ऊपर है तो ऊपर मिला देंगे। 210 कहाँ है, तो 210 इस तरह से अपने कॉपी में उतार करके ये बना लेंगे। आगे इतना ही होमवर्क आज के लिए है। आगे जो है 7 नंबर से हम लोग ग्रेटर देन स्मॉल देन को पढ़ेंगे। पुनः एक बार देख लीजिए एक्सरसाइज 1 का 1 जो है काउंट फॉरवर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, बैकवर्ड काउंटिंग हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया और मैच द फॉलोइंग हो गया। ओके, धन्यवाद।